ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। फिर आजकल तो मुझे कहना पड़ता है कि भई आप लोग मधुबन जा रहे हैं, यज्ञ में सौगात लेंगे, बाबा से मिलेंगे, तो कुछ गिफ्ट ले जाओ। हम लोग को कोई कुछ बताने वाला ही नहीं था, लेकिन उस समय में चरखा की ट्रेनिंग बहुत चल रही थी, गांधी बात था। तो एक अंबर चरखा होता है जिसमें एक साथ हैंडल घुमाइए तो चार धागे निकलते थे। तो मैंने अंबर चरखा की ट्रेनिंग ली थी और ट्रेनिंग के बाद में 4-5 ब्लॉक की कंपटीशन कराया था वहाँ के जो खादी बोर्ड के थे। तो 5 ब्लॉक के जितने भी चरखा सीखने वाले थे, जहाँ जहाँ अलग अलग सेंटर था चरखा सिखाने का, तो वो सब आए और उनके सिखाने वाले मास्टर भी आए। तो उसमें लिमिट दी थी कि इतनी देरी में इतना धागा निकालना है और धागा पक्का हो, ऐसे खींचो तो टूटे नहीं और गांठ ना पड़े कोई धागे। तो वो धागा निकालने के नंबर होते थे, 40 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, कौन से नंबर का निकाला है। तो मैंने 100 नंबर का धागा निकाला, मतलब बहुत महीन, और वो निकाला टाइम से पहले, पूरा जितनी उनकी गिनती की लच्ची होनी चाहिए धागे की वो पूरी हो गई। फ्रेम में लपेटते थे बॉबिन से। तो फर्स्ट इनाम मुझे मिला था, 5 ब्लॉक में प्रथम मैं आई थी, और उसमें जो इनाम मिला था वो कुछ नहीं था, खादी का ये कारपेट होता ना, गलीचा डबल बेड का, जिसमें शेर भी बना है, खजूर के पेड़ भी बने हैं, वो सब मिला था। और मेरी छोटी जो बहन थी वो सेकंड आई थी, तो उसको जो है छोटा जैसे नहीं, बीच का औसत सेंटर टेबल का, वो मिला था। तो उसने भी ले लिया, हमने भी ले लिया। तो हमने बाबा को गिफ्ट दिया। बाबा ने पूछा बच्ची ये क्या, तो मैंने बताया बाबा ये मुझे इनाम में मिला था। बाबा ने कहा खोलो खोलो, बिछाओ, बिछा दिया। तो बाबा ने कहा देखो बाबा तो गरीब निवाज है, बच्ची तो खादी का ले आई है, और बाबा इसको ऊलन देगा। तो लच्छू दादी से कहा कि इसको शॉल ला के दो। तब यज्ञ में इतने अफराद नहीं होते थे, थोड़े बहुत शॉल थी बाबा के पास, तो भाई कोई खास आएगा, VIP आएगा, तो लच्छू दादी ने नहीं दिया। वही वाला ना कि एक मुट्ठी चावल दूसरा रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, तो रुक्मणी का रोल लच्छू दादी का था। फिर दोबारा बाबा ने बोला, फिर लच्छू दादी ने इन्हें दे दिया। तो बाबा उठ करके चले गए और कमरे में लोहे का बहुत बड़ा ट्रंक था, उसमें शॉल रखी थी। खोल करके ट्रंक बाबा अपने हाथ से ले आए, बक्सा जो था बड़ा, और ला के मुझे पहना दिया, पूरा अच्छे से ओढ़ा दिया। कहा बच्ची बाबा गरीब निवाज है। तो ऐसे लगा, पहले सम्मान शब्द नहीं जानते थे, बाद में पता चला कि बाबा ने तो मेरा पहले ही साल पहना के सम्मान कर दिया।